नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सागर सर से जानेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। यहाँ पर मैंने कुछ सर्च रिजल्ट में सर्च कर रखा है आरडी का रिटर्न रेट, जो कॉमन बेसिकली मिडिल क्लास के लिए ऑप्शन होता है आरडी एफडी। तो आरडी का रिटर्न रेट हम अगर देखें तो आरडी का रिटर्न रेट आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, 5.5%, 50%, 5.50, 5.20, 5.75, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 5.75 का रिटर्न आपको मिल रहा है आरडी पर। आरडी समझते हैं आप, रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने की रिकरिंग डिपॉजिट हम किसी बैंक के साथ कर सकते हैं। सो वो रिकरिंग डिपॉजिट में हमारा रिटर्न कितना है, महीने साल भर दो साल पांच साल के लिए, मैक्सिमम जो हमें दिख रहा है 5.75, मतलब 6% से भी कम। अच्छा, दूसरा हमारा फेवरेट ऑप्शन मिडिल क्लास वालों का होता है आरडी। जरा आरडी पर भी नजर कर लेते हैं, आरडी का भी मैं सर्च कर लेता हूं। यहां पर आरडी रिटर्न रेट कितना आ रहा भैया, 5.50, 5.50, 5.20, 5.75, ऑलमोस्ट सेम है। एफडी और आरडी मतलब सेम ही रिटर्न दे रहे हैं। तीसरा हमारे पास मिडिल क्लास वालों का फेवरेट होता है भैया एलआईसी। एलआईसी में इन्वेस्टमेंट, एलआईसी लिए के लिए पैसा कमा रहे हो तो एलआईसी जरूर लो, बट एलआईसी में पैसा डालना, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखो, मुझे कहीं किसी से पैसा नहीं मिला ये वीडियो बनाने के लिए, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दे रहा हूं। एलआईसी में पैसा डालना मतलब जलते हुए आग में अपने खून पसीने की कमाई को ऐसा छोक देना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अभी आपका पूरा बुद्धि खुल जाएगा आपको। अभी अभी खुलता हूं, मैं बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा हूं आपको बताने के लिए, एक्साइटेड हो रहा हूं आपको बताने के लिए। दिखाता हूं आपको, इधर ही मैं सर्च कर लेता हूं एलआईसी रिटर्न रेट। सॉरी, एलआईसी का रिटर्न रेट क्या दिख रहा है आपको, इधर देखो, 5% पर एनम, 5% पर एनम, यानी कि एफडी और आरडी से भी कम। समझ रहा है ना, एफडी और आरडी से भी कम। अब एक और हमारे मिडिल क्लास के लिए, कुछ पढ़े लिखे मिडिल क्लास जो होते हैं उनको ये ऑप्शन पता होता है पीपीएफ। तो जरा पीपीएफ भी सर्च कर लेते हैं। ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूं, और 100 रुपए लगा करके 1 करोड़ कैसे आएगा, और 500 रुपए लगा करके 6 करोड़ कैसे आएगा, और 1000 लगा करके 13 करोड़ कैसे आएगा, उसी चीज पर आएंगे धीरे धीरे, हम सब समझाता हूं आपको। अब पीपीएफ का भी देख लेते हैं। पीपीएफ में भैया 7.1% का रिटर्न है, मतलब इन सबसे देखें एफडी आरडी एलआईसी इन सबसे बेहतर तो पीपीएफ है, 7% का है। अच्छा, ये तो हमें रिटर्न मिल रहा है। आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है, जरा स्क्रीन पर वो भी देखो, मैंने खोल रखा आपके लिए। आप worlddata.info की वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। ये देखो भैया, ये ग्राफ देखो जरा, ये जो बढ़ता है ना, ये बढ़ता हुआ, ये इंडिया का है महंगाई दर कैसा बढ़ रहा है, और ये वाला ग्रे कलर में जो आपको दिख रहा है ये यूएस का है। यूएस का कैसा लेटा सा एकदम, मतलब उसी स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत स्लो बहुत स्लो बहुत स्लो, लेकिन इंडिया का देखो भैया एकदम रॉकेट की स्पीड से महंगाई दर ऊपर बढ़ रहा है। और नीचे आओ, ये देखो यहाँ पर कैलकुलेटर भी, आप इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर 1000 रुपए है, 1960 बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, मैं 2010 ले लेता हूँ, 2010 और 2021 में अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपके सामने जो दिख रहा है 2000 रुपए का डिफरेंस है, यानी कि 1000 रुपए की वैल्यू जो 2010 में थी और 2021 में उसी 1000 रुपए की वैल्यू 2000 रुपए हो चुकी है। यहाँ पर आप देखो 11 साल में डेप्रिशिएशन रेट दिख रहा है, मतलब पैसे की वैल्यू 106% 11 साल में गिर चुकी है, 106%, यानी कि आधा हो चुका है। 2000 रुपए 1000 हो गया, 1500 हो गया, 500 250 हो गया, 100 रुपया 50 हो चुका है भैया, इन्फ्लेशन रेट ये कहते हैं। और नीचे बढ़ो, कुछ चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये देखो इधर इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 2020 में कितना है भैया, सॉरी 2020 में 6.62, 6% का इन्फ्लेशन रेट, 2019 में 3.72, 2018 में 3.95, 3, 4, 6, 11% था 2013 में, देख रहे हो ये है। और वहीं आप यूएस में देखो भैया 1.21, 2.21, 0.1, 2.11, ये महंगाई दर इंडिया की हालत। अब मुझे जरा ये बात बताओ, 6% अगर हम लेटेस्ट वाला ये पकड़ लें, ऑन एन एवरेज अगर आप ये सारा मिलाकर के भी देखो ना, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 3, तो लगभग आपको 6% मिलेगा ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज 6% का इन्फ्लेशन रेट। और हमारा रिटर्न वगैरह, आओ मैं और जरा आपको क्लियरली सारा कुछ दिखाता हूं, अब आपको और समझ में आएगा। एफडी भैया कितना देखा था हमने, लगभग 5%, 5. कुछ था। आरडी कितना देखा था हमने, यही 5%। एलआईसी यही 5%। पीपीएफ इन सबसे बेहतर था भैया 7%। और इन्फ्लेशन कितना है, 6%, यानी कि अगर इसको हटा दिया जाए तो इन सारे आपके इन्वेस्टमेंट को तो इन्फ्लेशन खा जाएगा। मतलब समझ रहे ना, एफडी ने आपको एक साल में 5% का रिटर्न दिया और इन्फ्लेशन बढ़ गया 6%, यानी कि आपका जो रिटर्न आया यहां तक आया और इन्फ्लेशन जो महंगाई दर पहुंच गया यहां तक, एक लेवल ऊपर है महंगाई दर, तो आपका पैसा तो खा गया ना, निकल गया ना, जैसे आप देखते हो ना गर्मी में कैसे हम गन्ने को डालते हैं रस निकालने वाली मशीन में, और कैसा गन्ना निचोड़ करके एकदम रस बाहर आता है, उसी तरीके से आपका पैसा इन्फ्लेशन निचोड़ करके ना खून निकलता है। खून से ही तो पैसा आता है ना, पैसा कमाने के लिए खून ही तो लगता है, चाहे दिमाग का खून या शरीर का खून, बिना खून के तो पैसा ही नहीं सकता ना, तो आपका खून ऐसा निकलता है भैया। आज के बाद ना एफडी आरडी एलआईसी कान पकड़ लेना, अगर कर रखा है तो विड्रॉ का पोजीशन है तो विड्रॉ कर लो। ये देखो ना पैसे को निकल रहे हैं या फिर निकल रहे हैं, एक साल बाद जब देखोगे आपका 1 लाख रुपए 1,07,000 रुपए हो गया, 1,05,000 रुपए हो गया, वो जो 5,000 बढ़ा है ना भैया एक साल, वो तो इन्फ्लेशन खा गया उससे ज्यादा, इन्फ्लेशन 1,07,000 हो चुका है, 1,06,000 हो चुका है, खा गया पैसा, ठीक है। हाँ, पीपीएफ को हम थोड़ा सा बेटर मान सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, लेकिन क्या हो अगर इन्फ्लेशन डबल की रेशियो से आपको मिले। देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है, कि ब्लू कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन इन्फ्लेशन। आमतौर पर हमें ये सब चीजें तो पता ही नहीं होती है, ना स्कूल में पढ़ा है ना कॉलेज में पढ़ा है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशमेंट का इसका रेट क्या, पता ही होता ना, तो इन्वेस्टमेंट का रेट ऑलवेज आपका ज्यादा होना चाहिए इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन हमारा 6% एफडी आरडी दे रहे हैं भैया 5%, करना चाहिए हमारे पैसे में आग लगा रहे हो, उससे अच्छा वहां एफडी आरडी करने से पहले पैसे में आग लगा, समझ आग लगा, वही वही मतलब हुआ ना, समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा हमारा क्या था, 100 रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़, 500 रुपए इन्वेस्ट करके 6 करोड़, कैसा आएगा वो आएगा भैया ऐसा,
घबराना मत, स्टॉक मार्केट का नाम ले रहा हूं, घबराना मत, स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, स्टॉक मार्केट नहीं समझ आता कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट में नहीं जाना कोई बात नहीं, मैं जाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन हम जहां फाइनली जहां इस पॉइंट पर पहुंचेंगे ना वहां पहुंचने के लिए बीच में नाम ले रहा हूं स्टॉक मार्केट का, ठीक है। स्टॉक मार्केट में अगर अच्छे शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो, अच्छे ब्लू चिप जो मार्केट की जानी बजानी है, तो आपको अमूमन तौर पर साल भर में वो 15% से लेकर के 20% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर अच्छे शेयर्स में ब्लू चिप में इन्वेस्ट करते हो। अब लेकिन दिक्कत ये है कि मिडिल क्लास को स्टॉक मार्केट आता नहीं है, अब आता नहीं तो क्या करें। तो मेरे हिसाब से ये आप हो, और भैया मैं आपको कहां जाने के कह रहा हूं, स्टॉक मार्केट में अभी जाना मत, रुक जाओ, डरना मत। स्टॉक मार्केट में अगर गया तो 15% से 20% ले सकते हैं, कहां 5% जो कि इन्फ्लेशन से भी कम, कहां 7% पीसीएफ में इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज्यादा, और अब हम बात कर रहे हैं 15 से 20% अगर कमाना है स्टॉक मार्केट में, लेकिन स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता, स्टॉक मार्केट से हम पहले से डरे हुए हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क है, हमें नहीं करना है सब। तो बीच में एक सोल्यूशन देता हूं आपको, ये आप हो, और ये बीच में मैंने एक पार्टी का नाम ले लिया जो सोल्यूशन है, यही सारा काम हमारा करेगा, ये है म्यूचुअल फंड कंपनीज। अब आप कहोगे भैया ये क्या कर दिया, ये यू म्यूचुअल फंड कंपनी स्टॉक मार्केट, हमने बताया ना स्टॉक मार्केट में नहीं जाना, मैंने समझा था, तो नहीं जाना आपको स्टॉक मार्केट में। देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट लास्ट में मैंने क्यों लिखा ना, आप एफडी में भी अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, लाख रुपए दिया ना एफडी में बैंक को, तो लाख रुपए का बैंक क्या करेगी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। आरडी में दिया ना तो आरडी कहां से, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। पीपीएफ में डाला ना वो भी कंपनी स्टॉक मार्केट, कुछ भी कहीं भी किधर भी पैसा दो आप किसी को भी, सब जाएंगे घूम फिर के स्टॉक मार्केट में। आपको नहीं समझ आता, हमें समझ नहीं आता, मिडिल क्लास को स्टॉक मार्केट नहीं समझ आता, लेकिन सारी दुनिया के बड़े बिजनेस सब जाते हैं, सारा पैसा उठाकर डलता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वही असली कंपाउंडिंग होती है, सबको पता है, बस मिडिल क्लास को छोड़ करके, ठीक। अच्छा, मिडिल क्लास की समस्या का स्टॉक मार्केट में जाना नहीं तो मत जाओ, नहीं कर रहा हूं, आपको स्टॉक मार्केट नहीं समझ आता कोई बात नहीं, आपको म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड क्या है मोटा मोटी आपको समझा देता हूं, अच्छा यही से समझ लो ना, ये आपको समझ में आएगा। स्टॉक मार्केट और आपके बीच का एक ब्रिज है, आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हो, दरअसल बहुत सारी कंपनियां होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो आपसे पैसा लेकर और दूसरी पार्टी अलग अलग जगह से पैसा लेकर वो अपनी समझ बूझ से स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट के बेस्ट शेयर खरीदती है, बेस्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती है। उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं मार्केट के, शेयर मार्केट के स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, दुरंदर होते हैं, मतलब आप और हम 15-20 साल के एक्सपीरियंस लेकर जहां पहुंचेंगे जहां सीखेंगे उनके पास वो लोग पहले से बैठे हुए होते हैं, अब उनकी समझ पर हम भरोसा करके म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं। ये रेपुटेड कंपनी होती है, बड़े बड़े बैंक होते हैं, ICICI, HDFC, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी, भागने वाले वैसे नहीं, तो जब हम इनको देते हैं तो ये हमें कितना रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं, जरा हम ये भी देख लेते हैं, और गूगल पे आ जाते हैं। इधर मैंने ओपन कर रखा है ग्रो ऐप, ग्रो ऐप, ग्रो वेबसाइट, आप कुछ भी खोल के देखना, मैं ये ग्रो का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, बस सर्च करते करते और सामने आया था, मैंने बस ग्रो ओपन कर दिया। देखो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, हाँ म्यूचुअल फंड खुला हुआ, म्यूचुअल फंड में देखो यहाँ पर ऑप्शन है कई सारे, टॉप फंड्स ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान, ये कंपनी का नाम है, म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है, ये देखो एक्सेस मॉल, ये कंपनी का नाम है, म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है, ये म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है, ठीक है, इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, ये मल्टीपल शेयर्स अलग अलग कंपनियों के, टाटा वाला है, ऐसा नहीं सिर्फ टाटा के शेयर होंगे, रिलायंस के भी होंगे, अडानी के भी होंगे, अलग अलग कंपनी को सबके होंगे इसमें, बेस्ट टॉप ये पिक करके करते हैं, ठीक है। अब ये जितना रिटर्न निकाल करके देते हैं, ये देखो 3 साल में इन्होंने, मैं क्लिक कर देता हूं इस पर, सॉरी अगर मैं ये वाला खोलूं तो देखो 3 साल में इन्होंने 33% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 33%, हम कहां बात करते हैं, एफडी 5%, पीपीएफ 7%, यहां 33% का रिटर्न है, और ये कितना बड़ा है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं, भैया आउटपुट पे आते हैं, ये सब छोड़ो मैं गलत जगह घुस गया, पहले आउटपुट पे आते हैं, मैं लिखता हूं म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में मैं ईटी मनी वाला आ गया, ईटी मनी खोल लेता हूं, 100 रुपए की बात हो रही थी ना हमारी, 100 रुपए लेते हैं सबसे पहले, 100 रुपए, और यहां पर मैं कस्टम में 15% डाल देता हूं, म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि 33%, 20%, 25% भी होता है, लेकिन हम चलो 15% ले लेते हैं, ठीक है। 5 साल तक, ये देखो 5 साल से लगे हुआ पीरियड, 5 साल तक अगर 100 रुपए डालोगे तो 8,000 रुपए के आसपास बनता है, इसी को आप अगर 50 साल कर दो कितना बन रहा है, 1.4 करोड़, 100 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करो भैया अगर 50 साल तक, 100 रुपए क्या जा रहा है, इतना का तो बर्गर पिज्जा और चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या कहां कहां खर्च कर देते हैं, 100 रुपए, 100 रुपए हर महीने का डालते हो भैया, अपने लिए भूल जाओ, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भूल जाओ, 50 साल तक की बात करूँगा, आप तो आपकी साल अगर आपकी 25 साल 20 साल उम्र है भी, 50 का मतलब 70 आपके लाइफ क्लास, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए छोड़ कर जाओगे, 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़, 1.4 है, 1.5 करोड़, सिर्फ 100 रुपए में, और आपको 100 रुपए डालना कोई खाएगा नहीं, अच्छा इसको अमाउंट बढ़ाते हैं, फिर जादू देखो जादू कैसे होता है म्यूचुअल फंड में, 500 रुपए अगर हमने करा है, मैं पहले 10 साल लेता हूं, देखना जादू कैसे कैसे कंपाउंडिंग का जादू कैसे कैसे होता है, 500 रुपए मैंने 10 साल तक इन्वेस्ट करा तो 1.39 लाख बन रहा है, मात्र हाँ जी मात्र, इसको जरा 20 साल कर देते हैं, 3 लाख बनना चाहिए, डबल होना चाहिए, 7.5 लाख बन गया, 7.5 लाख, अच्छा अगर मैं इसको 30 साल करूं तो 10 लाख बनना चाहिए, लेकिन नहीं कंपाउंडिंग देखो 35 लाख बन गया, अगर मैं इसी को 40 साल तक करूं तो 1.5 करोड़, और इसी को अगर 50 साल तक कर दिया भैया 6.99 करोड़, 7 करोड़ रुपए अगर हर महीने सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट किया तो 7 करोड़ रुपए आप अपनी अगली जनरेशन के लिए छोड़ के जाओगे, 7 करोड़, और इसी को अगर आप, अच्छा तो 15% ले रहा हूं मैं, अगर थोड़ा बढ़िया रिटर्न वाला अगर मैंने इसको 18% कर दिया तो 25 करोड़, मैंने सिर्फ 3% बढ़ाया, सिर्फ 3%, और ये 25 करोड़ पे चला गया, 7 करोड़ से सीधा 25 करोड़, डबल नहीं 3 गुने से भी ऊपर, ये कंपाउंडिंग का मैजिक है, ये कंपाउंडिंग का मैजिक जो आम आदमी को कभी नहीं पढ़ाया गया, समझ आए म्यूचुअल फंड की ताकत, ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करना, ब्लू चिप मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। तो दोस्तों अभी जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं और अपना SIP चालू करें।